हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना है खुद से। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो मैं नहीं पढ़ाया हूँ वो दूंगा, जो मैं आप लोग को टीच कर चुका हूँ। ये कौन से सब्जेक्ट का है? अलजेब्रा का। तो अलजेब्रा में जो चैप्टर में टीच कर चुका हूँ उसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके फोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अगर पॉसिबल है तो इट्स ओके, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर आप लोग को दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं कंफर्मेशन के लिए, सर ये राइट है या रॉन्ग है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या है अलजेब्रा का असाइनमेंट। अलजेब्रा में हम लोग चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कंप्लीट कर चुके। ओके, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड ही आपका ये असाइनमेंट रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या है असाइनमेंट। यस स्टूडेंट, तो जो नए नए स्टूडेंट आए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से जल्दी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को ऐसे ऐसे असाइनमेंट मिलते रहेंगे और आप लोग को इंटरेस्ट आते रहेगा पढ़ने में। ओके, सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसमें आपको एक क्वेश्चन 15x प्लस 17y इक्वल टू 21 एंड नेक्स्ट 17x प्लस 15y इक्वल टू 11। ओके, नेक्स्ट इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 2y इक्वल टू 29 एंड नेक्स्ट 5x माइनस 2y इक्वल टू 18। ओके, इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हुए, ये दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट आपको सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड, सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्व द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। बाय ग्राफिकल मेथड इसमें एक ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड नेक्स्ट इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। ओके, ये ग्राफिकल मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। इक्वेशन बाय क्रैमर्स, क्रैमर्स रूल। ओके, क्रैमर्स के रूल के हिसाब से इसको सॉल्व करने हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इसमें भी एक ही क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 11 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y इक्वल टू
माइनस 10। ओके तो स्टूडेंट अभी आप लोग ये तीनों क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आगे में और दो और क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, दो और क्वेश्चन है, आगे का दो क्वेश्चन देता हूं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सॉल्व। इसमें भी एक ही क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, यस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। एंड नेक्स्ट इक्वेशन इसका 2 अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके तो ये इक्वेशन दिया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम मैं लिख के दे रहा हूं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर। मीन्स एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, कंडीशन है अभी यहां पे देखिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। देन आप लोग को फाइंड आउट क्या करने बोला है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। ओके तो यहां पे आप लोग को इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ए रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेथ बाय 2। मीन्स जो लेंथ है रेक्टेंगल का, अगर ब्रेथ का डबल करेंगे तो भी उसमें 2 एक्स्ट्रा होता है। ओके देन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके तो हम लोग को यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने रहेंगे। तो स्टूडेंट आप लोग को यहाँ पे ये क्वेश्चन ही सिर्फ मिलेंगे ये वीडियो में, आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व करने खुद से और हमें बताने हैं कि कमेंट सेक्शन में कि सर इसका आंसर ये हुआ वो हुआ। अगर सपोज आप लोग को फिर भी कुछ भी डाउट रहते तो ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो जब आपको आएंगे, नेक्स्ट वीडियो जब कभी भी आपको आएंगे वहां पे ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएंगे। ओके थैंक यू।